सिरसा में बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। सर्कुलर रोड पर बनाया गया है कार्यालय। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा व भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर ने किया हवन यज्ञ। यज्ञ में पूर्णाहुति डाल किया गया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने रिबन काट करवाया कार्यालय में प्रवेश। भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर ने कहा, चुनावों में गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनेगा चुनाव कार्यालय। 4 मई को नेहरू पार्क में एकत्रित होकर भरेंगे नामांकन। 140 करोड़ लोगों का सपना, भारत जल्द हो विकसित। मोदी के नेतृत्व में भाजपा करेगी जन जन के सपनों को साकार। मेरा बूथ सबसे मजबूत के आधार पर कार्य करता है भाजपा कार्यकर्ता। 10 वर्षों में गरीब किसान के लिए भाजपा ने किया कार्य। 70 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने लोगों के हाथ काट बनाया चुनाव निशान। कांग्रेस की स्थिति हुई बद से बदतर। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की होगी बुरी हालत। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने किया दावा, 4 मई से लोकसभा चुनाव की कमान संभालेंगे हलोपा अध्यक्ष गोपाल कांडा। खुद का चुनाव समझकर झोंकेंगे ताकत। हलोपा अध्यक्ष गोपाल कांडा के प्रचार शुरू करने के बाद बदलेगी सिरसा में चुनावी तस्वीर। हलोपा का एक एक कार्यकर्ता जी जान से तवर को विजयी बनाने का करेगा। 6 लाख से ज्यादा वोटों से होगी बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर की जीत। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे सिरसा लोकसभा के इस चुनावी कार्यालय की शुरुआत के मौके पर यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पितातुल्य सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे सभी मीडिया के साथीगण, जहाँ तक भी आवाज जा रही है, मेरे सभी सिरसा शहर के नगर निवासी, आज जिनके कर कमलों से, जिनके आशीर्वाद से हमारे इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के भी, और मैं समझता हूँ कि इस हरियाणा के भी भीष्म पिता के तौर पे यहाँ पर विराजमान हमारे प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे जिले की अध्यक्षा बहन निताशा सिहाग जी, हमारे बड़े भाई यहाँ पर जिन्होंने अभी अपने विचार रखे, अपनी बात रखी और बड़ी मजबूती से लोगों की सेवा करने का संकल्प जिस परिवार का है, भाई गोपाल जी के छोटे भाई गोविंद कांडा जी, हमारे मैं सबका बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी पंच सरपंच, एमसी, जिला परिषद, हमारे ब्लॉक समिति, हमारे अलग अलग सभी जितने भी पदाधिकारी आए, जो संस्थाओं के प्रधान यहाँ पर आज आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं, बाजीगर साहब भी कई दिनों से लगातार लगे हुए हैं, उन सबका मैं आभारी हूँ। और सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूँ। आज यहाँ विराजमान मेरे पिता के समान, भाजपा के वट वृक्ष के समान, पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, छोटी बहन जिला अध्यक्ष नीताशा सिहाग जी, और 400 बार अब की बार मोदी सरकार के सारथी, सिरसा के सारथी भाई अशोक तंवर जी, और आज सभी भाजपा परिवार के मेरे सदस्यों, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के उद्घाटन इस अवसर पर जो सभी आज यहां पहुंचे हैं भाजपा के परिवार साथियों। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज जो इसका उद्घाटन है, बहुत मौके मिलेंगे बात करने के, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ये चुनाव हमें अपना चुनाव, जैसे हम सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, मेंबर का चुनाव लड़ते हैं, एमसी का चुनाव लड़ते हैं, इस चुनाव को हम ये समझ कर लड़ेंगे तो अवश्य हम 6 लाख से पार जीतेंगे, ये कोई प्रूफ नहीं है। और कल शाम को मैं इलाहाबाद में वीडियो देख रहा था कि सेलजा जी, कुमारी सेलजा जी कह रही थी कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, मैं सिरसा आना नहीं चाहती थी, मुझे तो ऊपर वालों ने भेज दिया, सर्वे हुआ,
अरे जो पार्टी सर्वे कराएगी वो तो दिखाएगी, तो जो चुनाव लड़ने आया है वो ये बात कहता है कि मुझे तो आने की जरूरत नहीं थी सिरसा में, मेरा मन नहीं था, तो वो हमारा क्या करेगी। और सबसे बड़ी बात हमें लोगों को जो समझानी है, मेरे परिवार के सदस्यों, जो 1996 के बाद सिरसा छोड़कर चली गई, कभी सिरसा नहीं आई, भाई अशोक तंवर जी तो हमारे बीच में रहे, चाहे वो कैसे भी रहे, किसी तरह से भी रहे, वो हमारे बीच में रहे लगातार, पर वो तो आप कहां की कहां अंबाला चली गई। उसके बाद फिर जब देखा अंबाला वालों को धोखा दे दिया तो वो फिर सिरसा आ गई। अरे सिरसा वालों ने क्यों भगाया था उसको, क्योंकि वो सिरसा वालों को धोखा देती थी, कोई काम नहीं करती थी, इसलिए सिरसा वालों ने बताया कि की बार तू बहुत बुरे तरीके से हारेगी तो वो अंबाला चलेगी सबको, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए अंबाला चलेगी। अब उसने देखा कि वो पीरियड निकल गया, अब अंबाला में नहीं जीत पाऊंगी, तो फिर सिरसा आ गई। और सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं, मेरे परिवार के सदस्यों, भाजपा परिवार के सदस्यों, हमें अब की बार ऐसा करना है कि वो कभी यहाँ सिरसा की तरफ या अंबाला की तरफ या हरियाणा की तरफ देख भी ना पाए, हमें उसको इतने वोटों से आगे भेजना है। लेकिन ये चुनाव जब तक हम अपना चुनाव नहीं समझेंगे तो हमारा चुनाव भारी मतों से आगे नहीं निकलेगा। तो मैं इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सभी भाजपा परिवार का, और भाई अशोक तंवर जी को आने वाली 25 तारीख तक हमें दिन रात करके मेहनत करके यहाँ से कामयाब करके सारथी बनाकर मोदी जी का भेजना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।